गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग केमिकल बॉन्डिंग एंड द टॉपिक इज कॉसल एंड लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं लिविस एंड कॉसल डॉट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, कॉसल और लिविस ने कहा था कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। व्हाट? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए द एलिमेंट इज कंबाइन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ओके, सो यहाँ पर पहले तो कुछ पॉइंट्स है जो भी ब्लैक से है, आप इस ब्लैक के पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा इस वाले पॉइंट को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आपने सारे पॉइंट को परहैप्स नोट कर ली होगी। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ। एक्चुअली कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू कॉसल एंड लिविस। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी के ना सेवरल ऑफ ड्रॉबैक हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ड्रॉबैक को देखें तो ऑक्टेट थ्योरी के सेवरल ऑफ ड्रॉबैक है, और क्लास 11th में वो सारा ड्रॉबैक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब जैसे ड्रॉबैक में हमको क्या मिलेगा, तो ड्रॉबैक में हमको मिलेगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट है डियर स्टूडेंट जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, आपको ड्रॉबैक होता है ऑक्टेट थ्योरी का। उसके बाद ऑक्टेट थ्योरी का एक ड्रॉबैक है आपको एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल है डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनका ना एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट? तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे H2SO4, तो अगर H2SO4 को देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर में ना 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अगर SF6 देखेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे आपको कितना, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर PCl5 या PF5 को देखेंगे, तो PF5 का मतलब क्या हो गया, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, तो इन केस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड यानी तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें जो है ना, फॉस्फोरस मेरा सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम पर क्या होगा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। देर इज ए मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक क्या मिला? ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक ये मिला कि ये, हाँ, उसके बाद एक काम का चीज़ और, सेवरल्स ऑफ द एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, एज वी नो डैट इज कम्बाइन टू कम्प्लीट दियर ऑक्टेट। वो सब एलिमेंट क्यों कम्बाइन करते हैं? ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए। लेकिन बेसिकली अब यहाँ पर एक चीज़ मिलेगा, काम का चीज़, जैसे कि जेनन को देखो, XE, तो जेनन एक एलिमेंट है XE, ये कम्बाइन करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। और आप जानते हो जेनन इज़ ए नॉबल गैस, जेनन एक नॉबल गैस है, और नॉबल गैस तो किसी से रिएक्शन करता नहीं है। तो यहाँ पर यह ना एक एक्सेप्शन केस बना, एक एक्सेप्शनल केस बना जेनन का। ठीक है, और हम लोग क्या जानते थे कि कोई भी एलिमेंट नियरेस्ट नॉबल गैस के जैसा बनना चाहता है। बट अगर इसको हम लोग क्लियरली देखें, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि नॉबल, कि जेनन एक नॉबल गैस है, और नॉबल गैस के होने के बावजूद भी वो नेचर में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। अब नीचे में क्या लिखा हुआ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअली ऑक्टेट थ्योरी से जो है ना, हम लोग मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। थ्रू ऑक्टेट थ्योरी वी कांट प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। और ऑक्टेट थ्योरी से एक और चीज़ है, इन ऑक्टेट थ्योरी देर इज़ ए नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑक्टेट थ्योरी में ना, हम लोग मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे ड्रॉबैक क्या क्या मिला,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक ड्रॉबैक मिला, एक्सपेंडेड ऑक्टेट एक ड्रॉबैक मिला, और क्या ड्रॉबैक मिला हमें? हमें एक ड्रॉबैक ये मिला कि ऑक्टेट थ्योरी से हम लोग मॉलिक्यूल का शेप नहीं पता कर सकते हैं, ऑक्टेट थ्योरी से मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। दीज आर द फ्लोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ये सब आपको ड्रॉबैक किसका है? ये सब का सब ड्रॉबैक है आपको ऑक्टेट थ्योरी का। ओके, तो अब आप लोग के ब्रेन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं? तो जवाब देंगे, एलिमेंट्स आर कंबाइन टू कंप्लीट देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू पेयर्ड इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है? कंबाइन करता है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।